लोभी ससुराल पक्ष के लोगों से तंग आकर विवाहिता ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। शव की हुई शिनाख्त। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक महिला ने ट्रेन के आगे कूद कर खुदकुशी कर ली थी, जिसमें महिला के डेड बॉडी के ट्रेन से कटकर कई टुकड़े हो गए थे, जिसमें महिला की शिनाख्त करना मुश्किल हो गया था, जिसमें पुलिस ने शव के कुछ साफ हिस्सों के फोटो खींच सोशल मीडिया पर शव की शिनाख्त कराने के लिए वायरल किए थे, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से मृतिका शव की शिनाख्त हो गई है। मृतका मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के मुनिमपुर गांव मेमस 35 वर्षीय पुत्री सरवर अली निवासी के रूप में हुई है और पीएम के बाद उसकी डेड बॉडी को पुलिस ने उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है, जिसमें पीड़ित परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है और शोक की लहर है, जिसमें मृतका शव को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया है, जिसमें मृतिका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और दहेज के लिए प्रताड़ित कर ट्रेन के आगे कूद कर जान देने का कारण बताकर ससुराल पक्ष के खिलाफ तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पूरा मामला आपको बताते चलें, मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर रेलवे क्रॉसिंग पर एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली थी, जिसमें पुलिस ने मृतिका के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर शव की शिनाख्त कराई है, जिसमें मृतक की शिनाख्त मुनिमपुर गांव मेमस 35 वर्षीय पुत्री सरवर अली के रूप में हुई है, जिसमें पुलिस ने पीएम के बाद शव को मृतका के परिजनों को सौंप दिया है। सबको देख परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल और शोक की लहर है, जिसके चलते मृतका परिजनों ने आज शव को सुपुर्द खाक कर दिया है। वहीं मृतका के भाई रिजवान ने जानकारी देते हुए बताया है कि मैंने अपनी बहन की शादी मुस्लिम रीति रिवाज दान दहेज के साथ जिला रामपुर तांडा थाना क्षेत्र गाना नगला गांव निवासी इरफान अली युवक के साथ की थी, जिसमें शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता को दहेज के लिए उत्पीड़न करने लगे, जिसमें कई बार पंचायत होने के बाद विवाहिता को ससुराल भेजा गया, लेकिन दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोग दहेज मांगने से बागमती जाए, जिसमें विवाहिता ने दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों से तंग आकर आत्मघातक कदम उठाकर दलपतपुर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच ट्रेन के आगे कूद अपनी जान दे दी। मौत के बाद पीड़ित परिवार ने दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ जीआरपी पुलिस में नामजद तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जो भी दहेज उत्पीड़न करने और महिला के साथ मारपीट कर आत्मघातक कदम उठाने के मामले में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ अनेक धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजा। मैंने इनकी 2015 में शादी की थी, जब से आज तक इस दहेज के ऊपर सब बारी बारी से मारते रहे और मारने वाले बहुत उसे टॉर्चर करते, जब भी वो मार देते थे तो वो उनको परेशानी आती, पंचायत द्वारा लोग चार करके भेज देते थे। जी आपने अपनी बहन की शादी कहाँ की थी और किसके साथ में की थी? गाँव नौली में की थी, मोहम्मद इरफान के साथ, बलदेव खुर्शीद। कहाँ पे पड़ता है? रामपुर जिला थाना थाना। अच्छा, आपकी बहन की मौत कैसे हुई थी? अभी ये उस दिन उनके नंदोई आए थे, हमारी बहन की बोले मैं पहली बार आया हूँ निभाने, हालांक हमारी में से हालांकि मेरे साथ भेज दो कि मेरी जिम्मेदारी है। शाम को यहाँ से भागे 8 तारीख की शाम को, सुबह में हमको पता नहीं, हमें लगभग 2 बजे का टाइम व्हाट्सएप पर हमें वो फोटो देखने को मिले, तो हमने जब देखा तो उसमें हमारी बहन थी, हमने जब जाकर देखा तो वो वहाँ ऐसा ट्रेन से आता हुआ था। किस जगह हुआ होता है हादसा? ये दलपतपुर जी। अच्छा, ऐसे क्या कारण थे जो उन्होंने इस तरीके की घटना बनाई? कई बार बहुत बार उसे मारते थे और दहेज के ऊपर कई और 2 बार मैंने उसे शादी से अलग उन्हें पैसे भी दे चुका हूँ। मैं सरकारी बैंक से ट्रांसफ़र कराए मैंने 1,03,20,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा है उन्होंने खाता उनका, उसको कई बार उन्होंने ऐसे दिए पैसे नगद में। जब भी अब किस किस के खिलाफ आपने जो आपकी बहन की बोले ये गाँव के 2-3 लोग दलपतपुर पे थे, उन लोगों ने इन्हें जाते हुए देखा, जो इन लोगों ने देखा तो उन पर हमारी बहन को ले आ रहे थे, लेकिन इन्होंने सोची कहीं ले आ रहे होंगे तो उसमें एक तो वहाँ दलपतपुर थे, तुम रुक जाओ तुम मत, 5-6 लोग थे वहाँ, जब ये नहीं पता चल रही ऐसा करने ले आ रही। कौन कौन लोग जिसके खिलाफ अपना थाने में तहरीर दी है? 5-6 लोग हैं। क्या नाम उनके नाम मालूम आपको? नाम एक तो इरफान रजत खुर्शीद, एक कुरबान रजत खुर्शीद, एक मोहम्मद रिजवान
बंदिया नामेली ये भाई उसके बैगनगर रहने वाली ये थाना टाने में पड़ती है, और एक उनकी अनारा लड़की और एक माँ, माँ का नाम शाहाना। तहरीर दे दी उन लोगों के खिलाफ आपने? तहरीर दे दी, और जब ये पता लगा कि उसे वहाँ मार रहे थे उन लोगों से, तो वो इससे छुटकर भागी, तो वो हराना जमी गिरी, तो उनको हाथ में कोई काटा वाटा है उनने छोड़ के उसको चोट लगी। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ? बस इंसाफ और मिलना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खानी गली। आपकी जो भतीजी है उनके साथ क्या घटना घटित हुई है और क्या पूरा मामला था? उनके साथ का मामला तो जब से शादी की जब से घटना घटी, इसकी वजह ये थी कि हमारे भाई साहब का इंतजार हुआ था भाई साहब, तो लड़की का नाम जमीन आ गई थी, उनके जवाब बात ये थी जमीन हमें मिलनी चाहिए, जमीन देता हो तो लड़की ने वो मतलब हमारे भतीजे नाम करा दिया जमीन, तो उसका नाम होनी थी, उनके जवाब में बात ये थी जमीन हमें मिलनी चाहिए, जमीन जब लड़की मिली तो आज तक मतलब लड़की किस दिन से शादी हुई तो जिनको परेशानी रही है शादी हुई, मतलब उन्होंने खाने की तक बात नहीं करी, जमीन बेच के शादी। किस तरीके का उत्पीड़न करते थे वो लड़की के साथ? लड़की के साथ तो साथ जो भी कुछ ना करना वो कम ही कम रहा। कितने सालों से करते चले आ रहे थे? शादी 7 साल हो गए। फिर लड़की ने किस तरीके का घातक कदम उठाया है और मौत हो गई? साहब अब मतलब उन्होंने मारा तोड़ा तो तंग आ गई, तो हमें पता नहीं दिया उसने सीरियल में टूट पहुँच गई। फिर क्या करके साथ में अच्छे ये लेके गए, पता नहीं इन्होंने क्या करा, इनका क्या ड्रामा था बताने वाला नहीं, बताया कि इन्होंने थैंक यू बताना नहीं, बताया कि थैंक यू हमको। अच्छे, कहीं लिखित रूप में कोई तहरीर पुलिस को दी है? दी है। किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग साल इंसान। अच्छा, कितनी उम्र थी उसी लड़की की? लड़की की उम्र लगभग 35 साल है।